तो इनाम भाई, आपने MBA किया, नौकरी क्यों नहीं की? मेरा जो बैकग्राउंड है वो पहलवानी खानदान से है, और जब हम घर में डिस्कशन होती थी तो वाला साहब के साथ भी यही डिस्कशन थी। वो कहते थे बेटा MBA तो बहुत से लोगों ने किया है, हज़ारों लोग रोज़ करते हैं, लेकिन हमें ऐसा एक खिलाड़ी बनना है, हमें उस लेवल पे पाकिस्तान को लेके जाना है जो कभी किसी ने ना किया हो। तो मैंने बचपन में स्टोरियाँ सुनी थी गामा पहलवान जी की कि उन्होंने 1910 में रिकॉर्ड बनाया था और वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो मेरे वाली साहब ने कहा था बेटा हमने वो करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ज़िंदगी का पहला मुकाबला था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में, 40 साल का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया और इंडियन खिलाड़ी को फाइनल में हराया, इंडिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, और फिर 2016 में मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता। तो मेरा ख्याल है कि MBA तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन MBA वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान में एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब सर आपने ये अचीवमेंट हासिल की तो फीलिंग कैसी थी? देखें, जब आपका परचम बुलंद होता है पूरी दुनिया में और सारी दुनिया के लोग आपके परचम के एजाज़ में, आपके तराने के एजाज़ में खड़े होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसकी फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बता रहा हूँ और जो रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो ये ऐसी फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसका ईद से ज़्यादा मेरा ख्याल है हमें खुशी, हमारी ईद उस वक्त होती है जब पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है। Are you ready? The Knock Knock Show.